मैसेल डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को यूनानी का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रोगन ए जरारी। हमदर्द भी बनाता है, बखे दवा खाना, रेक्स, न्यू शमा जो यूनानी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सभी बनाती है तकरीबन। इसको थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको लेकिन बहुत इफेक्टिव है। रोगन ए जरारी में कुछ अलग अलग किस्म के तेल ऑयल मिलाए जाते हैं इसमें, खासकर एलोपेशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लोगों को मैं अब दूंगा, इसलिए अभी से कर दीजिए इसके लिए को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आपको बता दूँ दोस्तों मैं कि रोगन ए जरारी के अंदर रोगन ए बैजा मुर्ग भी मौजूद है। रोगन ए बैजा मुर्ग जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लिप बना चुका हूँ, उसकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, उसको बहुत इफेक्टिव चीज़ है। यानी वो अकेला ऑयल खुद इतना इफेक्टिव है जो गंजेपन के लिए बाल नहीं आ रहे दाढ़ी या मूंछ के या किसी और जगह के, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। तो ऑलरेडी वो भी है, उसके अलावा दूसरे ऑयल भी हैं। तो रोगन ए बैजा मुर्ग, इसके अलावा खरातीन और रोगन ए तिल, अलग अलग ऑयल इसके अंदर है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है दोस्तों रोगन ए जरारी। और मैं समझता हूँ दोस्तों जिन लोगों को गंजेपन की प्रॉब्लम है, बाल नहीं आ रहे दाढ़ी मूछ पे या किसी और बदन के हिस्से के, जहाँ बाल जैसे कि सर के एक हिस्से के अंदर या सामने के, खासकर ये जवानी हम देख ये सामने के बाल उड़ जाते बहुत सारे लोग कम एज वाले, जिनके एज ज़्यादा है वो तो बिल्कुल इस फिराक में ना पड़े क्योंकि उनके बाल आने के बहुत कम चांस होते हैं। जिनके एज कम है, यंग बच्चे हैं, ऐसे लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, असर होता है। और अगर एक बार डॉक्टर तबीब की हकीम की सलाह ले लें, क्योंकि हो सकता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये हो रहा होगा, तो हो सकता है डॉक्टर आपको या हकीम साहब जो है तो आपको कुछ अच्छी दवा दे दे तो आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों अब ये खासकर तो जिनको बाल खराबी कहते हैं हम लोग एलोपेशिया कहते हैं, बाल उठ जाते हैं आप देखते हैं खास जगह के बाल उठ जाते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा बालों की जो दूसरी समस्या है, बालों को नरिशमेंट वगैरह पहुँचाना, उसमें भी अच्छा।